तो कैसे हैं आप लोग? हाय गाइस, कल की वीडियो में आपने देखा गाइस कि हमने अच्छा खासा फार्म कर लिया था। आज बारी है गाइस रूम करने की, और जहां पहले मैंने कभी नहीं एमओचेस देखा था गाइस, वहां आज एमओचेस मेरे को मिला। और देखना भाई, ये जो इजी है इसको भाई मतलब मारने में तो मेरी हालत ख़राब हो गई। और कल की वीडियो को शॉर्ट आउट जाता है गाइस सूरज 94 जाट भाई को, सेकंड शॉर्ट आउट जाता है गाइस टेक्नो रॉयल गेमर भाई को, और थर्ड शॉर्ट आउट जाता है इंडियन ओपी गेमर को। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया गाइस कि आप लोग इतना सपोर्ट और प्यार दिखा रहे हो। तो गाइस यहाँ देखो, हमने सबसे पहले यहाँ पर रजिस्टेंस डाल दिया, 100 डाल दिया, क्योंकि हो सकता है अंदर में ज़्यादा भी लग सकता है। तो मैं जितना भी लाता हूँ गाइस, मेरे बैग में जो भी रहता है, तो मैं जल्दी से डाल देता हूँ। अब मुझे ये देख के मतलब लगता है गाइज कि यहाँ पे कैसे एमओ चेस्ट हो सकता है, जो कि कभी नहीं पहले हुआ करता था। ये देखो एमओ चेस्ट कहाँ है गाइज, देखो मतलब यहाँ पे तो कभी मैंने पहले देखा ही नहीं था कि एमओ चेस्ट यहाँ पे होता है यार बायो में। लगता है बहुत सारी चीज़ें न्यू मतलब आई है इसमें, ग्लिच है ना क्या है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये देखो यहाँ पर मेरे को एक यूजी भी मिल गई, चलो सही हुआ। और इन सबको भी मैं बॉक्सिस ले लेता हूँ। वो भाई मुझे तो अंदर का जब आगे में है गाइज एमओ चेस्ट, तो ज़रूर मेरे को लगता है कि रूम में भी हो गई। और उसका ग्लिच तो आप लोगों को पता ही है गाइस कि मतलब बाहर से देख सकते हैं कि रूम में है या नहीं। एक एमओ चेस्ट वहाँ मिल गया, चलो वो भी सही है। एक एमओ चेस्ट यहाँ, ओ भाई दो दो एमओ चेस्ट अपने को बाहर में ही मिल गए। तो गाइस बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना गाइस कि मतलब कार्ड नहीं है, पर्पल कार्ड नहीं है, तो ऊपर वाला रूम क्यों करना है? भाई अगर पर्पल कार्ड नहीं है तो भी आप ऊपर वाला रूम करने ज़रूर से जाया करो, केवल रजिस्टेंस डालो और जो भी मतलब बाहर में एमओ चेस्ट होते हैं उसे ही लूट के ले आओ। मतलब ये तो आपको और ज़्यादा फ्री में ही एमओ चेस्ट। ओ भाई ये स्नाइपर मिल गई भाई, सही है यार। स्नाइपर ऐसे अपने पास है इसकी रेसिपी, अपने सोस भाई के पास है इसकी रेसिपी। और गाइस आप लोग बोल रहे थे ना कि इनके भाई साथ में खेलना है, तो देखो ये भाई ये बैच सर्वर है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा मतलब बेस जब आगे में बन जाता है तो बहुत ज़्यादा लैग होता है, आप लोगों को पता है। तो हमने एक और इसी सर्वर के साथ एक और सर्वर हमने स्टार्ट कराया, उसका नाम है ग्लोबल, ठीक है। वो रैंक ग्लोबल सर्वर, क्योंकि एक तो हम बैच सर्वर खेल ही रहे, तो एक साथ में ग्लोबल सर्वर खेलेंगे जहाँ से हमें क्वाइन भी मिल जाए लास्ट में, जिससे कि भाई हम लोग आगे टैलेंट पॉइंट वगैरह बाय कर सकते हैं, ठीक है। और एक और लीजन भी है, ब्रेकर नाम का जो लीजन है, उसमें हमने ज्वाइन कर लिया अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि 10 बंदे ग्लोबल सर्वर में भी खेलने वाले हैं। तो उसकी भी वीडियो मैं लाऊँगा, दोनों सर्वर की वीडियो एक साथ ले आऊँगा। तो आप लोग भाई मतलब उसमें ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वहाँ पर बेस वगैरह आप चाहो तो बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लैग हो रहा है गाइस। पता नहीं ये बैच सर्वर में इतना ज़्यादा लैग क्यों होता, मेरे को खुद भी नहीं पता। पहले मैं यहाँ पे रजिस्टेंस डाल देता हूँ यार, ये रहा रजिस्टेंस हमारा। और एक चीज़ और मेरे को ज़रूर से बताना भाई कि ईजी को आप कैसे मारते हो गाइस। आप लोग मतलब इतना ज़्यादा मतलब मैं ग्लिच करने की कोशिश करता हूँ, फिर भी ग्लिच हो ही नहीं रहा था, वो मैं आगे दिखाऊँगा। ओ भाई ये क्या हाल है यार, टूटा फूटा पड़ा हुआ है, मतलब सही में यार बहुत अजीब सा ये हो गया है मेरे हिसाब से। ओ भाई यहाँ पर ब्लू कार्ड नहीं है, लगता है ब्लू कार्ड कहीं और होने स्पॉन हो रहा है क्या भाई? हो सकता है किसी बंदे ने लूट के गया हो, तो हो सकता है ये मतलब ब्लू कार्ड दोबारा से नहीं आया हो यहाँ पे। लेकिन जो भी हो, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, हम एक बार और दोबारा से आएंगे कभी तो देखेंगे कि ब्लू कार्ड मतलब यहाँ पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा। यहाँ पे भी एक एमओ चेस्ट है, यहाँ पे अगर आपके पास एक ग्रीन कार्ड और थोड़ा सा रेजिस्टेंस है गाइस, तो आप इन सारे एमओ चेस्ट को मतलब यहाँ बायो में तीन एमओ चेस्ट जो कि आप फ्री में लूट सकते हो, एक तो ये ग्रीन रूम से, और ओ भाई आयरन आर्मर सही है यार, और ये दो ऊपर जैसे कि दो नहीं तो एक तो सियोर मिल ही जाएगा गाइस। यहाँ पे देखो मेरे को यहाँ पे ब्लू कार्ड मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला। और चलो गाइस जल्दी से बाहर चलते हैं, देखते हैं आखिर बाहर में क्या है। यहाँ पे ग्रीन रूम अगर ग्रीन कार्ड अगर आप नहीं भी लेके आते हो गाइस, तो अंदर में आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मेरा हेल्थ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं पहले अपना हेल्थ ठीक कर लूँ। कितने बैंडेज लगेंगे, एक दो हाँ तीन, तीन या चार बैंडेज मेरे को लगेंगे, मेरा हेल्थ सही हो जाएगा। चलो कोई ना, अभी मेरे को सिरिंज यूज नहीं करना है। ओ भाई जब ये ईजी यहाँ पे आया हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इसे भी किल कर ही दिया जाए, सही रहेगा भाई। अब मेरे को ज़रूर से ये बात ज़रूर से बताना गाइस कि मतलब ईजी है कैसे, मतलब अब कहीं अटक ही नहीं रहा यार। मतलब मैंने बहुत इसे अटकाने की कोशिश करी, वो आप खुद देख लोगे कि मैंने कितनी इसके पीछे मेहनत करी, और भाई क्या हुआ मेरे साथ वो आप भी देखोगे। मैं मतलब बुलेट मार रहा हूँ गाइस इन इमेज को, तो वो बुलेट भी नहीं लग रही इन इमेज को, पता नहीं यार क्या हो रहा है मेरे साथ ग्लिच, कुछ समझ में नहीं। ये देखो भाई ईजी की हालत, ये देखो मैं सोचा कि इधर से इसको मतलब फंसा देंगे, और फिर इधर से मैं जाके इजीली इसे मैं, ये देखो भाई ये कहीं फंस ही नहीं रहा। देखो भाई सब आप मेरे को ज़रूर से बताओगा इसकी मतलब मैं इसे कैसे अटकाऊँ यार, इसने तो मेरी हेल्थ ही देखो क्या कर दी, 21 पे ला दिया हेल्थ। ठीक था कि एक सिरिंज मेरे को मिल गया था, नहीं तो यार अभी तो मेरी हालत ख़राब होने वाली थी। ओके अपने पास मैं पहले देख लेता हूँ अपने पास क्या क्या सामान है, अगर मैं किल भी हो जाऊँ तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी मतलब। ओके
गाइज अगर मैं किल हो गया ना तो मेरी सामान जा सकती है बहुत सारी, लेकिन फिर भी एक काम करते हैं, कोशिश करते हैं, इतना कोशिश करेंगे गाइज कि हम इजी से ना मरे, ठीक है अभी तक फिलहाल के लिए। तब तक इसको मारते हैं, जब देखेंगे हेल्थ बहुत कम हो जा रहा तो फिर हम इजी को छोड़ देंगे अभी के लिए, फिलहाल के लिए। आजा इजी भाई, आजा 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 आजा। ओके इजी को फिर से दोबारा से मैं यहाँ पे अटकाने की कोशिश करता हूँ, आई थिंक ये अटक जाए। ओके अभी तक तो अटका नहीं है गाइज, अभी भी ये इजी। हाँ भाई अब जाके इतनी देर बाद अटका, वो भी भाई ये ज़्यादा देर लगता है रहेगा भी नहीं मेरे हिसाब से, देखो कितनी जल्दी में है इजी, इतना लंबा जीव निकाले हुए है। अच्छा टाइम लग जाएगा यार ऐसे तो, मुझे लगता है शॉटगन वगैरह अगर मैं यूज करूँ ना तो सही रहेगा इसके लिए, इस इजी को मारने के लिए। गाइज क्या कहते हो यार, मतलब अकेला बंदा अगर शॉटगन यूज करे, लेकिन उससे एक और डर है गाइज कि अगर मैंने शॉटगन यूज करा ना तो इनेमी भी आ जाएंगे यहाँ पे। ओ भाई भाग गया इजी, इतना ज़्यादा मेहनत करता हूँ ना गाइज, मतलब क्या ही बोलूँ, इतना ज़्यादा मेहनत तो मैंने कभी नहीं करा होगा इस इजी को मारने के लिए। ये देखो जब मैं पीछे पीछे आ रहा होता तो मैं सोचता कि इधर साइड कोने में ये अटक जाए, लेकिन ये देखना अभी क्या होने वाला है। ये देखो ये हमसे पहले से ही रेडी था अंदर में आके। अब मैं थोड़ा सा इसका वेट कर लेता हूँ गाइस कि ये यहाँ पे अटके, तो उसके बाद फिर हम इसको मारते हैं शायद। अब ये ओ भाई मुझे तो लगा था ये शांत हो गया होगा, अब जाके ये शांत हुआ है जी। ओ अरे भाई क्या हो रहा है यार मेरे साथ आज, इजी आज मरेगा भी कि नहीं मरेगा मेरे को ये भी नहीं पता भाई। अटक जा हो गाइस, तो फाइनली अब जाके ये इजी अटका है, तो चलो जल्दी से इसको हम मार देते हैं बिना लेट किए। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी स्पीड कर दी थी गाइस, देख लो मतलब इजी इतना टाइम मतलब ले रहा है ना, देख मेरी हालत ही ख़राब कर दी, पूरा बैंडेज वगैरह मारा हूँ। तो फिर जाके अब इजी को दोबारा से बुलाते हैं एक बार। ओ भाई फिर से एक फटका मेरे को लग चुका है यहाँ पे इजी का, इससे पॉइंट लेकिन अच्छे मिल रहे गाइज, मैंने देखा एक दो बार और इजी किल करा है तो देख रहा हूँ। ओ भाई यही मतलब हो रहा है गाइज कि मतलब ये आर पार हो जा रहा है बॉल के, मतलब दीवार जो है उसके आर पार ये कैसे आ जा रहा है इतना जल्दी। मतलब पहले क्या होता था कि अटक जाता था इजी, लेकिन अब तो अटकने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि शायद वो यहाँ पे शांत हो जाए इजी, तो फिर हम इसको किल करेंगे। ओके हाँ अब लग रहा शांत हो गया इजी, चलो अब इसको जल्दी से मारते हैं यहाँ पे जितना जल्दी हो सके। ओके मैंने यहाँ पे थोड़ी सी स्पीड कर दी है गाइज, क्योंकि देखो भाई इतना ज़्यादा टाइम लग रहा था ना इजी को मारने में कि मेरी हालत ख़राब हो रही थी इसको। अब एक बार इसे बाहर में ला के अटकाते, देखते बाहर में ये अटकता है कि नहीं गाइज। अरे अंदर ही रह गया ये तो, बाहर किधर से है? ओ भाई ये इधर अटका हुआ है। चलो 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 भाई जल्दी चल, जल्दी चल मार भाई इसको, नहीं मारने से काम नहीं बनना अपना। ओ भाई साहब इतनी मुश्किल से अटका है, अगर इसको मैं हेड पे मारूँ तो। ओ भाई हेड तो इसका दिख ही नहीं रहा यार, क्या हो रहा है यार मेरे को आज इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, हेड इसका दिख ही नहीं रहा गाइज उधर से। चलो तो हम इधर से इसको मार देते जल्दी से, भाग गया इजी दोबारा से, भाग गया इजी हमारा। आजा 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 आजा, बाहर आ बाहर आ, गेट पे ही लग रहा है अटक गया। ओके गाइज तो मैं सोचता हूँ गाइज क्यों ना सबसे पहले अपना सारा सामान रख के जाऊँ दोबारा से, ठीक है, क्योंकि मुझे वहाँ पर लग रहा है इनेमी लोग भी आ जाएंगे। इतना ज़्यादा टाइम लग रहा था कि मुझे पक्का ही लग रहा कि अभी नहीं आ जाए, तो मैं जल्दी से अपना सारा सामान इसी में रख देता हूँ और जल्दी से दोबारा से चलते हैं वहाँ पे, कि मतलब अपने जो भी स्नाइपर वगैरह ये तो बच जाए, और कार्ड अपने पास रखते हैं गाइज, क्योंकि इजी को मारने के बाद फिर हम कहीं दूसरे रूम भी जाएंगे। और देखो मैंने एक स्नाइपर भी ले आया जान के भाई, कि मतलब इस बार इजी को बढ़िया से किल वगैरह करके ही जाना है। ओ भाई इनेमी आ गया, मतलब जिसका डर था भाई। ओ भाई M4 है भाई बंदे के पास, देखो M4 स्टील आर्मर। ओ भाई साहब क्या ही बंदा है भाई, इजी को मारने के लिए M4 स्टील आर्मर, इजी के पीछे ही गया था इसे मारने के लिए। कहाँ पे है यार बंदा, मेरी तो हालत ख़राब होने वाली। ओ भाई ये नर्स इधर क्या कर रही है मुझे तो अचानक डर लग जाता गाइस कि ये नर्स आखिर मेरे पीछे कर क्या रही थी। ओके चलो कोई ना, देखते वो बंदा आखिर है कहाँ। देखो वो भाई वो बंदा ऊपर छत पर है, छत पर है, उसको थोड़ा सा हेडशॉट नहीं लगा, हेडशॉट तो नहीं लगा गाइस, बॉडी शॉट लगा है, वही एक दो बुलेट लगा है, एक बुलेट मेरे हिसाब से। दिख 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 भाई वो बंदा भी मेरे को खोज रहा है लग रही है, देखो। नहीं नहीं यार उस बंदे के पास M4 है, मुझे तो लगता है मैं पक्का किल हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने अपनी आयरन आर्मर, हाँ हाँ है हमारे पास आयरन आर्मर तो है गाइज, क्योंकि मैंने आयरन आर्मर बेस पे नहीं रखा था। देखो वो बंदा कहाँ है, ये देखो भाई बंदा ताक रहा है उधर पीछे। ओ भाई ये देखो बंदा,
मैं इधर आ जाता हूँ गाइस जल्दी से, कि मुझे लग रहा था ये बंदा बार बार इधर ही देख रहा था, तो मैं सोचा क्यों ना हम पीछे से जाके इसको मारते हैं। ये देखो भाई, ओ भाई यहीं पे, ओ भाई साहब मैं मरा कैसे गई मेरे को समझ में भी नहीं आया। जैसे ही मैं उधर जाता हूँ अब मैं कैसे वहाँ पे किल होता हूँ मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया, और अचानक से मैं किल हो जाता हूँ यार। लगा एक ही बंदा तो था यार, मतलब दूसरे बंदे रहते तो यार मेरे को वो जरूर से मार देते, ठीक है मार तो दिए ही, लेकिन दूसरा बंदा मेरे को कहीं पर दिखा ही नहीं यार। एक बंदा था और उस बंदे ने कैसे मेरे को किल करा यार, मैं मतलब वहाँ पे गया अचानक से मैं किल हो गया, लगता है उस समय मेरा लैग वगैरह हो गया होगा या पिंग वगैरह बढ़ गया होगा, पता नहीं कुछ समझ में ही नहीं आया गाइस। चलो कोई ना, इस बार मैं आयरन आर्मर वगैरह छोड़ के जाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे अब दोबारा से जाके देखना आखिर वो ईजी को तो कहीं नहीं मार रहा है। अगर ईजी को मार रहा होगा गाइस तो फिर हम उसे जाने नहीं देंगे, हमारा घर यहीं पर है बायो के पास में ही, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। देखते हैं, आ जा आ जा आ जा, ओ भाई इतनी दूर से फटका मार रहा है ईजी, लगता है वो इनेमी तो भाग गया है गाइस। चलो कोई ना, हम ईजी को किल करके ही जाएंगे आज, बिना किल किए तो जाना नहीं है इसको। आ जा आ जा आ जा, इधर ही अटक भाई, इधर ही अटकाना है इसको। ओके अटक गया, अरे भाई अटके तब तो यार। मेरे को जरूर से कमेंट में बताना यार कि इनेमी मतलब इस ईजी को कैसे अटकाऊं, इतना मेहनत मैंने कभी नहीं करा यार ईजी को मारने के लिए, अब जाके फाइनली ये अटका है यार। चलो जल्दी से मैं इसको किल कर देता हूँ बिना टाइम लॉस किए भाई। ओ भाई साहब अटका भी तो इतना जल्दी भाग गया कि मतलब क्या ही बोलूँ। ओके अब ये जा रहा है धीरे धीरे, चलो इसको पीछे से मारते जाते जब तक ये जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ना। ओ भाई 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 भागो 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 यार, भागो भाग बसंती भाग। आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, चलो मैं इससे थोड़ा दीवार से सट के जाता हूँ। ये देखो भाई ईजी को इसी कोने में अटकाएंगे हम। चलो ईजी तो कोने में, देखते हैं अटका है या नहीं अटका है यार। ओके लगता है अटक गया गाइस, ईजी अटक गया कोने में। देखूं भाई गायब किधर हो गया यार, ओ भाई वो ईजी तो गायब हो गया, देखो अंदर में आ गया है। देखो भाई यहाँ पर भी एक छुपने का अच्छा जगह है भाई ईजी से, यहाँ पर मैं इसको अच्छे से अटका दिया। देख भाई आ जा भाई, ओ भाई इतना जल्दी मतलब भाग जा रहा ना ईजी की, मतलब मैं क्या ही बोलूं। ये देखो मैं कंफ्यूज हो गया था गाइस कि भागू तो भागू किधर, अगर ये एक फटका और देता ना गाइस तो मैं देखो फिर से मेरी हेल्थ 15 पे आ गई थी इसके फटके से। ओ भाई फिर से अटक गया, फिर से अटक गया, सही जगह मिल गया भाई, ये डोर जो बना हुआ है ना इसमें अटक रहा है, अब तो ये मरेगा ही, अब तो इसको मारने में। ओ भाई इतना जल्दी मतलब भाग जा रहा ना, मैं क्या ही बोलूं। फाइनली मैं को एक शॉटगन लेके आ जाता हूँ गाइस, क्योंकि मैं यहाँ पे किल हो गया हूँ देख लो। ठीक है तो मैं यहाँ पे अब शॉटगन लेके आता हूँ, जिसका डर था गाइस वही होने वाला है पक्का, मतलब मुझे लग रहा है वो इनेमी दोबारा से आएगा, क्योंकि उसे नहीं, वो इनेमी मुझे एक बार मार के जा चुका है, उसे पता चल गया था कि हम ईजी को ही मार रहे हैं, और मैं शॉटगन यूज कर रहा हूँ तो उसे तो और भी ज़्यादा पता चल जाएगा यार। लेकिन कोई ना, हम जल्दी से पहले इसको मारते किल करते यार किसी तरह, उसके बाद हम यहाँ से भाग जाएंगे। ओके फाइनली हमने ईजी को, अरे यार ईजी को तो मारा था गाइस, साथ में मैं भी मर गया मैं यहाँ पे दूसरी जगह स्पॉन हो चुका हूँ। चलो कोई ना, यहाँ पे थोड़ी फार्मिंग ही कर ली जाए, यहाँ पे भी देखना गाइस क्या ही हाल होता है मेरा। मैं सोचता हूँ कि अब बेस पे बार बार जाने से कोई फायदा था नहीं गाइस, तो इसलिए मैं सोचता हूँ क्यों ना यहीं पे मैं स्पॉन हो जाता हूँ, अब फिर यहाँ पे देखना क्या ही हाल होता है यार। अच्छा गाइस आपके साथ कितनी बार ऐसा हुआ कि आप ईजी को मारे हो और कोई दूसरा बंदा आपकी लूट लेके गया हो, ये बता दो यार, मतलब सारे कमेंट कर दो अगर किसके किसके साथ हुआ है। भाई मतलब मैं तो पक्का ही नूब हूँ यार, मैं क्या करूँ यार, इतनी मेहनत करी मैंने ईजी को मारने में, करीब आधे घंटे लगा दिया था यार मारते मारते। ओ भाई कार आ गई, ये देखो इसी का एक डर था, ये देखो ये बंदा क्या करता है भाई, मतलब लास्ट में जब मुझे मारता है ना तो अपनी इमोट्स दिखा के खूब अच्छे से मजे ले रहा है। देखो भाई देखो भाई मेरी बुलेट कहाँ जा रही, पहले ये देखना, ये देखो भाई मेरी बुलेट कहाँ गई, मैंने इसको कितनी बार मारने की कोशिश करी, अब बताओ भाई कि किसी बंदे का इतना कम डैमेज हो। ये देखो भाई क्या ही करूँ यार, हालत ख़राब है अपनी। फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। अपनी कार भी जा गई।